हाय फ्रेंड्स, मैं अपना कीबोर्ड आज फिर लेके आया हूँ, कैसे का CTK6300in मॉडल, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है। आज मैं लाया हूँ फ्लूट की टोन, जो कि एडिटेड है, कीबोर्ड के अंदर एडिट करी गई है, रोलैंड जैसी टोन है और फ्री टोन है जी। आज मैं आपको फ्री में एडिट करके बताऊँगा, और ये टोन इतनी ख़ास है जो रोलैंड को बिल्कुल ही कम्पीट कर सकती है। और मैं आपको डेमो दे सकता हूँ इस टोन का, राग उबाली पर हम इसका डेमो करेंगे सॉन्ग का। देखिए, ये फ्लूट का, सॉरी, देखिए कितना अच्छा इसके पीछे वो है, इको डेप्थ वाइब्रेशन सब कुछ बहुत खास है इसके अंदर। देखिए, देखा आज आपने कितना प्यारा टोन था ये, इतनी अच्छी टोन जो रोलैंड को मार दे सकती है इस कीबोर्ड के अंदर आज हमने एडिट करी है। तो कृपया अगर इस वीडियो पर बने रहें, बहुत ही अच्छी टोन है। आइए तो आज हम सीखते हैं उसको हम कैसे एडिट करें। सबसे पहले हम जाएंगे रेड एंड पाइप कैटेगरी में, इसको हमने टैप किया रेड एंड पाइप कैटेगरी में। इसके अंदर आप इस रडार से घुमा सकते हैं व्हील से, तो आप जाएंगे 35 नंबर पर, पाइप सेक्शन वन सेलेक्ट करेंगे आप, ये वाली टोन सेलेक्ट करेंगे पाइप सेक्शन वन। अगर आप फ्लूट चाहते हैं फ्लूट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेम इसी तरह उसको एडिट कीजिए जैसे आज ये एडिट टोन हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बटन दबाएंगे टोन एडिटर का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने एडिट करी हुई यूज़र टोन के अंदर। देखिए, पाइप सेक्शन, ये मैंने टोन एडिटर का बटन दबा दिया। तो रिलीज टाइम दोस्तों याद रखिए -50, अगर आप लाइव प्रोग्राम्स में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। अटैक टाइम -50, रिलीज टाइम +25, कट ऑफ +25, वाइब्रेशन टाइप SIN साइन, जो कि नॉर्मल ठीक है। अगर चेंज करना चाहें तो देखिए कुछ ऐसा साउंड करेगा ये, अगर इसको चेंज करेंगे आप, देखिए मैं जैसे अगर मैं TRI करता हूँ तो देखिए थोड़ी आवाज़, मतलब और थोड़ी करारी आवाज़ आएगी। अगर मैं इसको और चेंज करता हूँ S हो तो देखिए फिर फ़र्क, माइनर सा बिल्कुल का फ़र्क है। तो अगर आप TRI करना चाहें तो TRI कर लीजिए, TRI वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा दे रहा है इसमें फील आपको, TRI में गए। उसके बाद वाइब्रेशन डेप्थ -10, जी हाँ ये रखिएगा, ज़्यादा भी मत कीजिएगा वरना भी टोन वैसे ज़्यादा वो हो जाएगी। तो वाइब्रेशन डेप्थ रखिए -10, वाइब्रेशन रेट +10, और फ्रेंड्स वाइब्रेशन डिले भी +10 रखिएगा। ऑक्टेव शिफ्ट को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए टच सेंस थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि वो फील नहीं आते कभी एक बार, तो टच सेंस आप कर दीजिए इसको 25 कर दीजिए, इट्स इनफ। फिर नीचे आएंगे रिवर्ब सेंड रखिए 90, कोरस सेंड 10 करना पड़ेगा। फिर आएंगे हम टोन डिले में, DSP ऑन ऑफ का ऑप्शन पूछेगा, ऑन कीजिएगा। फिर हम नीचे आते रहेंगे, सारा ये जो कंपनी का फीडबैक सेम है उसको सेम रखिएगा। वेट लेवल 3 और टाइप 1 कीजिए, ये नोट कीजिए, वेट लेवल 3 टाइप 1 और रिवर्ब सेंड 90। फिर पूछेगा एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया, एग्जिस्ट का पूछेगा रिप्लेस यस नो, जैसे कि अब पूछ रहा है तो कहेंगे टोन एडिट, हम कहेंगे स्टोर यस। पूछेगा कौन से इसमें सेलेक्ट करनी है, 1 में 2 में 9 में, जहाँ आपका मन चाहे। मैंने जैसे कि इसको 9 में कर रखा है तो मैं इसको 9 में एंटर का बटन दबाऊंगा यहाँ से, और ये पूछेगा यस, हम कहेंगे यस। तो ये अब टोन मेरी सेव होके एडिट यहाँ हो चुकी है, एडिट में देखिए अब ये टोन मेरी सेव है। तो देखिए अब राग यमन बजा के दिखाऊंगा इसमें मैं आपको,
फ्रेंड्स, ये थी आज हमारी फ्लूट की टोन जो रोलैंड को मात दे सकती है, ये आपको खुद इस वीडियो में पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मेरी वीडियोस को कीप सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको और अच्छे अच्छे एडिटेड टोन मिल सकती हैं। मुझे कमेंट कीजिए जिससे मैं जान सकूँ आप कौन सी टोन चाहते हैं जिसको मैं एडिट करूँ। तो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स।